ओके okay, स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ए सी सर्किट्स सो इन डिफरेंट टाइप ऑफ ए सी सर्किट फर्स्ट सर्किट इज़ आर सर्किट मीन्स अ सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टेंस यहाँ मैंने एक सर्किट दिखाई है जिसपे सप्लाई दी गई है और इस सर्किट में केवल रजिस्टेंस कनेक्ट है अब जो अल्टरनेट वोल्टेज दिया जा रहा है उसका इक्वेशन है वी इज इक्वल टू वी नॉट साइनोमेगा टी बाई ओम्स लॉ वी नो दैट वी इज इक्वल टू आई आर वी की जगह पे हमने आई आर वैल्यू पुट करी आर को ट्रांसपोज किया वी नॉट के अपॉन में आ गया आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर ओमेगा टी एंड ऑल्सो वी नो दैट अल्टरनेट करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट ओमेगा टी दोनों को कंपेयर करते हैं तो आई नॉट की वैल्यू आई वी नॉट अपॉन आर वी नॉट अपॉन आर अगर यानी वी नॉट क्या आया वी नॉट इज इक्वल टू आर इज आर इन टू आई नॉट यानी वी नॉट इज़ प्रपोर्सनल टू आई नॉट आर यहाँ रेजिस्टेंस हो गया ओके okay? तो अब यहाँ क्या है वी नॉट प्रोपोर्शनल हो गया आई नॉट के रेजिस्टेंस है यानी वी नॉट और आई नॉट दोनों सेम फेज में हो गए यानी वी और आई दोनों सेम फेज में हो गए मीन्स आई इज ऑलवेज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज ग्राफ देख लेते हैं ये वी का ग्राफ आपका हमने दिखाया तो आई का ग्राफ भी उसी फेज में चलेगा ओके okay? यहां इसकी पीक वैल्यूज होती है मैक्सिमम वैल्यू ये आई की हो गई आई नॉट और ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू हो गई फेजर डायग्राम फेजर डायग्राम में एक्चुअली हम वैक्टर निकालते हैं करंट का वेक्टर डायग्राम और वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम तो पहले हमने वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम दिखाया क्यों क्योंकि वोल्टेज हमने ले हम लेके चले थे ओमेगा टी एंगल पे तो ओमेगा टी पे अब क्योंकि आई नॉट भी यानी आई भी उसी फेज में है यानी सेम एंगल पे है तो आई नॉट भी उसी एंगल पे फेजर डायग्राम बन गया इज इट क्लियर और सेकेंड इज एल सर्किट अ सर्किट कंटेनिंग कंटिन्यूअल कोयल यानी इंडक्टर इसमें सप्लाई कितनी दी गई है वी इज इक्वल टू वी नॉट साइनोमेगा टी अगर इस क्वल में आई करंट फ्लो हो रहा है तो वो वैरी करेगा कॉन्टिन्यूसली और इसकी वैरी करने से क्या होगा इसमें बैक ई एम एफ इंड्यूस्ड होगा यानी बैक वोल्टेज इंड्यूज होगा ये जो बैक ई एम एफ इसमें इंड्यूज होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा एल डी आई बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ये हम पहले पढ़ चुके हैं तो अब ये जो बैक ईएमएफ हमारा आएगा वो टोटल जो सप्लाई दे रहे हैं उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नेट वोल्टेज आ जाएगा तो अब नेट वोल्टेज जो होगा क्योंकि रजिस्टेंस तो इसमें हमने कनेक्ट नहीं किया है कहीं तो रजिस्टेंस जीरो आना चाहिए तो नेट वोल्टेज आपका किसके इक्वल वीजिकल टू आई होता है आर आपका अगर जीरो हो गया तो वीजिकल टू जीरो आ जाना चाहिए यानी नेट वोल्टेज आपका कितना आना चाहिए जीरो तो अब नेट वोल्टेज को हमने जीरो के इक्वल कर दिया यहाँ से हम ट्रांसपोज करते हैं तो एल डी आई बाई डी टी आ जाता है वी नॉट साइन ओमेगा टी डी आई की वैल्यू एल को ट्रांसपोज किया वी नॉट अपॉन एल डी टी इधर लेके गए डी टी आया हमें आई फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन हमने कर दिया वी नॉट अपॉन एल कॉमन हो गया और इंटी यानी कॉन्स्टेंट हो गया इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी और फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन नीचे ओमेगा लिख देते हैं अब इसके बाद हमने क्या किया है ये माइनस बाहर ले लिया है v नॉट ओमेगा बाहर आ गया है ओमेगा ओमेगायल कॉस ओमेगा ठीक कॉस ओमेगा को अब हम साइन में चेंज करेंगे दैट मीन्स आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू आ गया अब इस इक्वेशन में आप देखेंगे v वी हम लेके चले थे i लेके आए यानी जो करंट आया है उसकी पीक वैल्यू आपकी आई है वी नॉट अपॉन ओमेगा यल तो ये आई करंट की पीक वैल्यू हो गई और जो एंगल आया है करंट का वो 90 डिग्री कम है 90 डिग्री कम होने का मतलब आप जो करंट पास होगा इंड्यूस्ड करंट होगा वो वोल्टेज जो हमने दिया था उससे 90 डिग्री लैग करेगा यानी पीछे रहेगा लैगिंग करेगा ये जो हमारा पीक करंट आया है आई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन ओमेगा यल यहाँ अगर ओम्स लॉ से कंपेयर करें तो ओमेगा यल हमारा क्या आ गया रजिस्टेंस आ गया इफेक्टिव रजिस्टेंस क्वायल के लिए इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस डिनोट नोट करेंगे एक्सएल से एल का मतलब क्वल के लिए तो एक्स एल इज इक्वल टू आया ओमेगा एल ओमेगा की वैल्यू होती है टू पाई एफ हम जानते हैं तो टू पाई एफ इंटू एल आ गया इसका ग्राफ अगर दिखाना होगा तो ग्राफ इस तरह से बनेगा देखिएगा ये फार्मूला हमारे पास आया था तो ग्राफ हमारा क्या बनेगा आई आपका लैग करेगा नाइन्टी डिग्री तो वी का ग्राफ अगर सिंपल इस तरह से बन रहा है तो आई लैग करेगा 90 डिग्री यानी ऐसे चलेगा 90 डिग्री यहाँ पीछे से तो ये 90 डिग्री लैग कर रहा है करंट करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू नॉट फेजर डायग्राम पे समझ सकते हैं इसको वी नॉट कितने एंगल पर है ओमेगा एंगल पर है ओरिजेंटल से तो अब आई नॉट क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री लैग करेगा किससे वी नॉट से यानी वी नॉट से आई नॉट क्या रहेगा 90 डिग्री लैग करता है ओके थर्ड सर्किट इज सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटेंस एक ऐसा सर्किट जिसमें केवल एक कैपेसिटर लगा हो सप्लाई हमने वी दे दी और कैपेसिटर अगर सी है तो वी नो दैट कि वी इज इक्वल टू तो क्यू अपॉन सी कैपेसिटर अगर सी है तो क्यू अपॉन सी हो गया सी को हमने ट्रांसपोज किया क्यू आ गया अब अगर क्यू को डिफरेंशिएट कर दें यहाँ हमने डिफरेंशिएट दिखाया है डी क्यू अपॉन डी टी तो राइट साइड में भी डिफरेंशिएट करना होगा सी वी नॉट कॉमन हो गया डिफरेंशिएट करेंगे साइन ओमेगा टी का तो आ जाएगा कॉस ओमेगा टी फिर ओमेगा टी का डिफरेंशन ओमेगा भी बाहर हम यहाँ से क्या करेंगे सी और ओमेगा को नीचे लेके जाएंगे तो सी और ओमेगा को अगर नीचे लेके जाना है तो ये वन के अपॉन में ओमेगा सी हो जाएगा आई नॉट आई इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी अब कॉस को हमने चेंज किया साइन में साइन में तो ओमेगा टी प्लस वाई बाई टू आ गया तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको कंपेयर करते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से तो ये आई नॉट की वैल्यू आई यानी ये पीक वैल्यू हो गई करंट की इसमें वी नॉट अपॉन आर यानी ये जो वैल्यू आई है ये रजिस्टेंस आपका आ जाता है इफेक्टिव रजिस्टेंस अब क्योंकि इस सर्किट में कैपेसिटर कनेक्ट है इसलिए इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे जिसकी वैल्यू आ गई वन अपॉन ओमेगा सी डिनोट करते हैं एक्ससी से ओमेगा की वैल्यू टू पाई एफ रख दें तो टू पाई एफ सी आ जाता है एंगल आप देखेंगे आई एंगल क्या हो गया नाइन्टी डिग्री ज्यादा हो गया यानी जो वोल्टेज हमने सप्लाई दिया था उसका एंगल था ओमेगा टी पे ये नाइन्टी डिग्री ज्यादा हो गया यानी आई अब लीड करेगा नाइन्टी डिग्री इसमें किससे वोल्टेज से फेजर एंगल क्या रहेगा 90 डिग्री लीड करेगा यानी वी नॉट अगर इस डायरेक्शन में है ओमेगा टी एंगल पे तो वी नॉट से 90 डिग्री आगे होगा क्या आई नॉट ठीक है ये फेजर डायग्राम हो गया ग्राफ पे समझ लेते हैं ये अगर वी का ग्राफ है वोल्टेज का तो करंट अब क्या होगा नाइन्टी डिग्री लीड करेगा पहले चलेगा ठीक है तो ये नाइन्टी डिग्री आपका हो गया बना दिया यहाँ पीक वैल्यूज हमने दिखा दी हैं इज इट क्लियर